जितने भी नौजवान नेता है ड्यू टू माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, सबों का ट्रेंड करने का मास्टर हमारे नीतीश कुमार जी हैं। प्रयास रहेगा कि हम लोग नेशनल पार्टी बने। पहले भी आप देखे होंगे कि मणिपुर से हम 6 विधायक को जिताया था, और 2027 में 2026 में जिस स्टेट में भी चुनाव होगा उस चुनाव में हमारी सरकार बनने की संभावना होगी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल को जेडीयू की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको नॉर्थ ईस्ट का पार्टी की ओर से प्रभारी बनाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, नॉर्थ ईस्ट की जो प्रभारी है उसको आपके दायित्व दिया गया, क्या कहेंगे? पहले तो नीरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके मेरे पास आए हैं, मेरे आवास पे। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जो हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री संजय झा जी हैं, इन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास जताए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, जो 7 स्टेट 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ क्या है, छोटा छोटा स्टेट है और कम संख्या बल के वहाँ विधायक लोग होते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग नेशनल पार्टी बने। पहले भी आप देखे होंगे कि मणिपुर से हम 6 विधायक को जिताया था, उसमें सबों का सहयोग था, लेकिन किसी कारणवश लोग पार्टी छोड़ के चले गए। अभी फिर ऑफर आ रहा है वहाँ से लोगों का, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री के प्रति उन लोगों का बहुत आशा है, आस्था है, और जिस तरह से उन्होंने बिहार में विकास का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको देखते हुए वहाँ के लोगों में एक जिज्ञासा जगी है कि हम लोग जनता दल यू के पार्टी में जाएं, पार्टी को मजबूत करें, और 2027 में 2026 में जिस स्टेट में भी चुनाव होगा उस चुनाव में हमारी सरकार बनने की संभावना होगी जनता दल यू की। जैसे कि आप देख रहे हैं मणिपुर में मेते और कुकी का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीट में लाएं। मणिपुर बहुत अच्छा जगह था, साथ साथ मिजोरम के लोगों को भी जागरूकता जगी है हमारे पार्टी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। जिस तरह से महिलाओं में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण दे करके, आपको सिविल में 35% आरक्षण दे करके, ये सब देख करके वहाँ के लोगों में विश्वास जगी। दूसरी बात है कि इस नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा है, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास में अग्रिम भूमिका मेहनत कर रहे हैं, उनको देखते हुए एक जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 वीक ऑफ सितंबर से हम सबों को बुलाएंगे बैठ करके। अरुणाचल में पहले हम लोग जीते थे, और कहीं कहीं काउंसिलर का चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और नागालैंड है, वहाँ भी पहले हम लोग 2 सीट जीते हुए थे। त्रिपुरा, मेघालय, वहाँ सब जो लोगों को एक तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे अपनी पार्टी, तो हमारी पार्टी को मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम जो 2002 साल के बाद जो चुनाव होगा उस स्टेट में हमारी सरकार बने। उस समय की जो भी होगी सरकार, जिनके साथ हमारा अलायंस होगा, कोशिश करेंगे हम लोग सरकार वहाँ बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में जेडीयू का प्रभाव पहले भी रहा है, जैसा आपने बताया, कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ चुनाव भी होंगे, गठबंधन के साथ रहना है नहीं रहना, ये सारे तालमेल आपको आपके कंधों पर है, कैसे आगे बढ़िएगा इन सब? ऐसा है धीरज जी कि 2000 में वहाँ समता पार्टी के, हमारे पार्टी के राधा विनोद कोयजाम हुए थे मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, तो समता पार्टी के टाइम से ही वहाँ के लोगों को बहुत मतलब विश्वास है हमारी पार्टी पर, जब हम लोग अभी जनता दल यू में आ गए हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा स्टेट में अगर हम लोग को 6-10% भी वोट मिल जाता है और हम अपनी सरकार बना लेते, तो भारत में नेशनल पार्टी के लेवल हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और नेशनल पार्टी के नाम से हम लोग जाने जाएंगे। हालांकि हमारा प्रयास है, जो कमेटी बनी है 23 तारीख को, इनके हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री संजय झा जी के नेतृत्व में,
तो कोशिश रहेगा सब स्टेट में, सब देखे होंगे कि सारे लोगों को जो दिए हैं एक्सपीरियंस पर्सन है, सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, झारखंड हो, झारखंड भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग आने वाले चुनाव में अच्छा काम करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी को सफलता मिले, मजबूती मिले और हम लोग मजबूती से आगे बढ़ें। और हम लोग अभी NDA में अलायंस में हैं, 2027 में जिनके साथ भी हमारा गठबंधन होगा हम पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने जनता दलियों को। आपके सामने एक और चुनौती है, चूँकि मणिपुर में आप प्रभारी थे, आपके प्रभारी रहते 6 विधायक वहां जीते थे, 6 में से 5 विधायक दूसरी ओर चले गए, अरुणाचल प्रदेश में भी कई विधायक चले गए, तो इन चुनौती से कैसे निपटेंगे, जो पार्टी के समर्पित लोग हैं उनको मौका दिया जाए? देखिए ऐसा है कि छोटे छोटे स्टेट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, जीतने के बाद लोग दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं। भागने का मतलब जो वहाँ की सरकार जिस पार्टी से बनती है उस पार्टी के साथ लोग चले जाते हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे सबों को मिला जुला करके, जिस तरह से हवा हमारे नीतीश कुमार जी का है जनता दल यू का, तो लगता है कि भविष्य में लोग भागेंगे नहीं। जो भागे हुए हैं कुछ लोगों का तो कोर्ट में मामला चल रहा है, और कुछ लोग जो भाग कर चले गए, जैसे अरुणाचल के हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट वो चले गए थे, चुनाव लड़ लिए थे, लेकिन इस बार अभी फ़ोन आया कल कि मैं आ रहा हूँ ज्वाइन करूँगा। इसी तरह से मेघालय से भी खबर आ रहा है, इसी तरह से ये त्रिपुरा में हमारी पार्टी की संगठन नहीं है लेकिन वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, सिक्किम से भी फ़ोन आया है। तो देखिए कोशिश करूँगा, कोशिश करना हम लोग का फर्ज है, ड्यूटी है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने का मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आखिर में एक सवाल है कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस बार झारखंड में भी होना है, नेशनल पार्टी बनने के लिए दोनों राज्य में अच्छा परफॉर्मेंस, साथ ही साथ जो आपके राज्य हैं वहाँ भी अच्छे परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, कितना आसान समझ रहे हैं, कितनी चुनौती समझ रहे हैं? देखिए जिस तरह से हवा बह रही है, झारखंड में हम लोग 12 सीट पर लड़ने जा रहे हैं जैसा हमने सुना है, और वहाँ भी सरकार जो भी जिनकी भी सरकार बनेगी, हमारी पार्टी जिनके साथ अलायंस है, तो हम लोग मददगार होंगे और अच्छा हम लोग का रिजल्ट होगा वहाँ। और बिहार में तो कहने की बात नहीं है, बिहार में 25 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और अभी जो हवा एक साल है, अभी एक साल के पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, देखे होंगे कि हमारी सारी कमेटियाँ अभी नई नई बन रही है, हमारे नेतृत्व में चेंज हो रहा है, नौजवानों को मौका दिया जा रहा है, और संजय झा जी कमान संभाले हुए हैं, और दिल्ली में भी और हमारे पटना में उमेश कुशवाहा जी, सब नौजवान हैं, और हम लोग कंधे से कंधे मिला करके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी फिर हमारे 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इतना मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस रफ्तार से विकास कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे रोड का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, आप तो सब जानते हैं कि शिक्षा में हम लोग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि 3 महीने में 4 लाख से ज़्यादा नौकरी दी है, और अभी हम लोग को एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है, अभी आप देखते होंगे गया से पूर्णिया तक की जो 6 लेन रोड बनेगी, गया से ये होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली होते हुए दरभंगा तक के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, भारतमाला का रोड हमारे क्षेत्र में बन रहा है, और हमने 2-4 मुद्दा भी उठाए हैं, 22 तारीख को मैंने मुद्दा उठाया था स्पेशल स्टेटस का, देखे होंगे 24 तारीख को भारत सरकार ने 57,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिया है बिहार को, बिहार आगे बढ़ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि 2025 में हम लोग जो अधूरा काम रह गया माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा करने की कोशिश करेंगे और सरकार बनेगी हमारी। आखिर में एक सवाल है, आप इतने विकास की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव डेली क्राइम बुलेटिन बिहार का जारी कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है पूरी तरह से। देखिए तेजस्वी यादव जी, जैसा कि आप जानते हैं धीरज जी, बोलने का सबको फंडामेंटल राइट है, एक दूसरे को शिकायत अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सामने से अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, उनका एक दायित्व है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तेजस्वी यादव जी को सीखने का समय है, वो सीखें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों से, उनके संस्कारों से, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बिहार में, उनको भी सीखने की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि नौजवान है और नौजवान मेहनत करें, लेकिन उस तरह से क्रिटिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है,
ये ठीक है, पार्टी में जो अपोजिशन होता है उसको मजबूत होना चाहिए। पार्टी अपोजिशन मजबूत होगा तो सामने वाला जो रूलिंग पार्टी होगा वो अच्छा काम करेगा। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कभी कभी तेजस्वी यादव बचकाना हरकत करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ, आज जितने भी नौजवान नेता है ड्यू टू माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, सबों का ट्रेंड करने का मास्टर हमारे नीतीश कुमार जी ही हैं। नीतीश कुमार के कारण ही ट्रेंड हुआ है। सब जितने भी लोग हुए हैं, सामने मुखिया जी बैठे हैं, उनसे पूछिए, हंस रहे हैं क्या मुखिया जी? जी, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का ही ढेर सारे मौका वही दिए। जितने भी नौजवान अभी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं या प्रदेशों का कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है। चाहे जो भी नेता, नाम मैं नहीं लूँगा, नौजवान जितने भी हुए हैं वो नीतीश का देन है। दर्जनों कार्यकर्ता तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।